राजस्थान के बारां छिपा बड़ौद उपखंड एवं तहसील मुख्यालय स्थित कस्बा क्षेत्र में होली के खूंट स्थित एक सर्राफा व्यवसायी की दुकान में अर्धरात्रि को 8-10 नकाबपोशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। सूत्रों द्वारा बताया गया है कि करीबन 1 करोड़ के लगभग की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, जिस पर पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में पुलिस का अपराधियों पर अंकुश नहीं होने के कारण क्षेत्र में पुलिस का रौब नहीं है और अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है, जिसके कारण आम जन दुखी हो रहा है। छबड़ा विधायक व पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने छिपा बड़ौद कस्बे में रामचंद्र गणेश राम गोयल सर्राफा व्यवसायी की दुकान पर हथियारबंद नकाबपोश लुटेरों द्वारा घुसकर लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा की राशि के आभूषण एवं नगद राशि की डकैती कर ली गई। छिपा बड़ौद कस्बे में इस प्रकार की ये पहली वारदात है। इस वारदात का पूरा घटनाक्रम व्यवसायी की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इस घटना से कस्बे के सभी व्यापारियों में दहशत का माहौल है और वे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जिले में आए दिन होने वाली इस तरह की घटनाओं से जिले वासियों का पुलिस प्रशासन से विश्वास लगभग उठ सा गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, 9 जने हैं, 9 है साथ। पूरी गैंग ही आई है, 9 तो है भाई साहब। यहाँ के साथ और खतरा होगा, और एक्टिविटी भी होगा। पूरी जन तो नहीं, बाकी तो लोग गाड़ियां में नहीं, मिले मिले पर बेची कर रहे हैं। कौन चुका है ये? देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।